नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं निश्रे। दोस्तों, सरकारी नौकरी 1000 पद ANM के पदों पर भर्ती होगी और अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो को जल्दी देखें और वीडियो को पूरा रूल देखें, क्योंकि विप्रो कंपनी भी अब नौकरियां देगी। तो चलिए पूरी खबर को विस्तार से देख लेते हैं, लेट्स गो। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद को बैठक में ग्रामीण उप स्वास्थ्य केंद्रों पर ANM के 1000 नियमित पदों पर नियुक्ति 2 वर्ष में चरणबद्ध तरीके से करने का निर्णय लिया गया है। प्रतिवर्ष 1000 पदों पर नियुक्ति दी जाएगी, यानी वर्ष 2019 में 1000 भर्तियां आने वाली हैं। विप्रो कंपनी भी नौकरियां देगी। भोपाल जनसंपर्क विभाग प्रौद्योगिकी मंत्री श्री PC शर्मा से विप्रो प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने श्री संजीव सिंह के नेतृत्व में मुलाकात की। इस दौरान मध्य प्रदेश में तकनीक के बेहतर उपयोग से प्रदेश की समृद्धि और युवाओं को रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध करवाने पर चर्चा हुई। साथ ही IT क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा सहित कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। विप्रो कंपनी ने प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को और बेहतर बनाने की दिशा में हर संभव प्रयास और सहायता करने के लिए अपनी सहमति दी। मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को सशक्त बनाने, नई नौकरियां देने, कौशल विकास, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों में लगातार नई योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। साथ ही प्रदेश सरकार रोजगार क्षमता बढ़ाने के क्षेत्र में बड़े व्यापारियों के लिए सरल एवं सुविधाजनक व्यापार के लिए आवश्यक कानूनी प्रावधान करने की दिशा में काम कर रही है। इस मौके पर विप्रो प्रबंधन के इंडिया स्टेट एंड एंटरप्राइजेस बिजनेस हेड श्री संजीव सिंह, श्री कपिल शर्मा, श्री मधुसूदन कुलकर्णी, श्री पारस कुमार मौजूद रहे। तो साथियों, आने वाले समय में 1000 ANM के जो पद हैं स्वीकृत किए हैं, उनमें जो है पदों पर नियमित भर्ती की जाएगी और विप्रो कंपनी में भी रोजगार मिलेगा। तो दोस्तों, आगे भी आपको ऐसी लेटेस्ट जानकारी न्यूज मिलती रहे, इसलिए अपने स्टूडियो जुड़ना ना भूलें। सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर क्लिक करके अपने विचार स्वयं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका